और वहीं किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, ये रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है। खालिस्तान के नाम पर बदनाम करने की साजिश की जा रही है, किसानों को बदनाम करने की ये घिनौनी साजिश है, ये कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है मोदी सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद पूरे देश को है और थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भी जो चारों सदस्य कमेटी के बनाए वो तो पहले ही मोदी जी के कानूनों के समर्थक हैं, वो तो इन काले कानूनों के पक्षधर हैं। ऐसी कमेटी के सदस्य क्या न्याय करेंगे? ये किसान ही जवान पैदा करते हैं, इन्हीं किसानों के बेटा और बेटी पुलिस में, पैरामिलिट्री में और मिलिट्री फौज के अंदर देश की रक्षा करते हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी, इतने अहंकारी मत बनिए, यह अहंकार टूटेगा जरूर। किसानों की अन्नदाता की सुनिए, वरना ये देश आपकी बात सुनना बंद कर देगा। तो किसानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये आरोप लगाया है रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और ये जो कमेटी का गठन किया गया है, ये चार सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं, और कांग्रेस का आरोप है कि ये सरकारी है, ये तो कानून के पक्षधर हैं, तो ये निष्पक्ष रूप से कैसे अपनी रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट को, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये देख रहे हैं आप चार चेहरे जो कि इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। डॉक्टर प्रमोद जोशी जो कि कृषि अर्थशास्त्री हैं, अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री, अनिल घनवट हैं जो कि शेतकारी संगठन महाराष्ट्र से हैं, इस कमेटी में शामिल किए गए हैं, और बी के यू के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान। तो ये कमेटी का गठन किया गया है, चार सदस्यों को शामिल किया गया है, और दो महीने का वक्त दिया गया है कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इस कमेटी के सामने जो किसान है, सरकार अपना अपना पक्ष रखें, लेकिन इसी को लेकर घेराबंदी की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।